बहुत सारे लोग विक्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं कि विक्स किस तरीके से काम करता है, विक्स से आपकी ट्रेड किस तरीके से इफेक्ट होती है। सो आज इस वीडियो में हम विक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करने वाले हैं। चाहे आप बेसिक से सीखना चाहते हो, इनफैक्ट आप विक्स के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांश उपाध्याय। तो वॉलेटिलिटी या फिर हम जिसको फियर भी बोलते हैं, विक्स हमारे ना इंडिया विक्स बेसिकली अगर बोल दूं, वो हमारे ना वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। वो ये बताता है कि हमारी मार्केट में इस वक्त क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, मार्केट में फियर वैल्यू क्या है। सेम चीज यूएस के लिए, हर जगह हर मार्केट में एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, उससे हम ये जजमेंट लगाते हैं कि मार्केट के अंदर कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर हम इस वक्त देखें, इस वक्त हमारे यहाँ विक्स चल रही है ऑलमोस्ट 11-12 के आसपास, काफी टाइम से। ये देखो इस वक्त भी ये लगभग 12 के आसपास है। इसको हम कोई बहुत हाई वैल्यू विक्स नहीं मानते। हम अगर रेंज की बात करें, रेंज ढूंढने के लिए मैं कुछ नहीं करना है, हम वीकली में जाएंगे, वीकली चार्ट लगाएंगे अपने इंडिया विक्स का। और आप एक बात देखो कि ये जो मैंने एक रेड लाइन खींच रखी है, इससे आपको ना 2015 से लेके अभी तक इसके नीचे कभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स अपना गया ही नहीं। इसका मतलब अगर कभी भी आपको वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस रेंज में दिख रहा है, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि मार्केट एक्चुअली में इस लेवल के नीचे वॉलेटिलिटी में नहीं जाता। मतलब ये वो लेवल है जहां से मार्केट में फिर से वॉलेटिलिटी आती है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। तो इस वक्त भी हमारा जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इसी रेंज में चल रहा है, 9 से 12 की रेंज में। तो अगर मुझे इस जगह पे कोई ट्रेड बनानी है तो मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेंड करने की ट्रेड बनाऊंगा, मैं कभी भी वॉलेटिलिटी को शॉर्ट करने की ट्रेड नहीं बनाऊंगा। तो आप सिंपल भाषा में समझो कि जो भी वीगा नेगेटिव ट्रेड्स होंगी उनको इस वक्त रिस्क ज्यादा है, वो किसी भी वक्त फट सकता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स और किसी भी वक्त में बड़ा लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे, मैं एक बार क्योर हो रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल आज बिगनर होंगे, उन्होंने विक्स सुना होगा, वो विक्स को समझना चाहते होंगे। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा, फिर मैं आपके ट्रेड्स के ऊपर बात करूंगा। देखिए, जो हम इंडिया विक्स देख रहे हैं, इसका जो भी नंबर है, मान लीजिए 12 है, 9 है, 20 है, इसका मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोले कि एक साल के अंदर ये जो भी वैल्यू है साल के अकॉर्डिंग है, तो यहां से जहां पर भी मार्केट है, मान लीजिए 18,200 पे आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो निफ्टी 18,200 पर है और यहां पे 12 का आपको विक्स दिख रहा है, इसका मतलब है 18,200 से 12% मार्केट ऊपर जा सकती है या 12% गिर सकती है। ये हो गया विक्स का बिल्कुल सिंपल मतलब। अब सर ने यहाँ पे कई सारी बातें करी कि भैया वीगा नेगेटिव, अब आपको ऑप्शन वीक्स को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शंस में इंटरेस्टेड है, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस ग्रीक्स के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ग्रीक्स को समझिएगा, तभी आपको समझ आएगा थीटा डेल्टा गामा वीगा क्या होते हैं। यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे लोअर लेवल तो बता दिया कि 9 से 12 एक लोअर लेवल है जहाँ पे अपनी वॉलेटिलिटी टिकी रहती है, और हमने 2015 तक का डेटा ले लिया, यहाँ से काफी है, इतना डेटा काफी है। अब अगर मैं इसकी अपर लेवल की बात करूँ कि व्हाट इज द अपर लेवल, तो हम अगर इसको एवरेज में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो इस एरिया में, मैं इसको एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक एरिया है 25 से 28 का, जहां पे ना हर बार मार्केट ऊपर जाती है और गिराती है, हर बार ऊपर जाती गिराती है। सिर्फ एक दो सिनेरियो है 2015 से लेके जिसमें मार्केट इसके ऊपर सस्टेन की है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ना इसके ऊपर आती तो है पर विद इन वन डे, विद इन वन वीक नीचे, फिर से आई देखो ऊपर, फिर नीचे, फिर से आई ऊपर, फिर नीचे, फिर से आई, फिर नीचे, फिर से आई। मतलब इससे हम एक चीज सेंस कर सकते हैं कि हमारे मार्केट के अंदर मार्केट हाई वॉलेटिलिटी पे सस्टेन नहीं कर पाती। तो आपने कई बार देखा होगा जब हम बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं तो एक शार्प रिकवरी जरूर आती है। तेजी से नीचे का मतलब मेरा 1-2% डाउन मूव से नहीं है, मेरा मीनिंग है कि कोविड जैसा डाउन मूव, वॉर जैसा डाउन मूव, इलेक्शन जैसा डाउन मूव, अगर ऐसा कुछ डाउन मूव आता है तो उसकी जो रिकवरी होती है ना वो बहुत फास्टर होती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी पीक पे गई और फटाक से वॉलेटिलिटी डाउन, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत देर तक पीक पे नहीं रह सकती। इवन आप कोविड के टाइम पे देखोगे ये वॉलेटिलिटी फ्रॉम 10 लेवल्स ये 82 चली गई थी, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड लेवल है। आपका स्ट्रगल की प्राइसिंग 2,000 रुपए पहुंच गई थी। तो अब ये इस जगह पे भी देखो आप बहुत जल्दी डिके आया, ये वहां पे भी टिक नहीं सकती। तो वॉलेटिलिटी फियर लेवल्स पे, हाई लेवल्स पे नहीं टिकती कभी भी। तो मैं देखूं तो अपर लेवल अपना आ गया 25 से 28, मैं इसको एक रेंज मान लूं, तो लोअर लेवल 9 to 12 और हायर लेवल 25 से 28। इसमें हम मिड लेवल लेके अगर चले तो ये देखो मिड लेवल भी इस एरिया में आता है, जो कि है ऑलमोस्ट 17 से 20 की रेंज या 17 से 18 की रेंज ले लो। हमने 3 लेवल्स में अपनी वॉलेटिलिटी को बांट दिया है, 9 से 12 लोअर लेवल्स। मतलब हमें यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी जो वीगा पॉजिटिव डिक्टेट करती हो, मतलब वीगा पॉजिटिव हो, जहाँ पे हमारा ना जो बाइंग का लेवल हो वो एक्सपेंड करता हो, मतलब हमारी ट्रेड ना दूर वॉलेटिलिटी बढ़े तो प्रॉफिट आए, सिंपल। अगर वो हायर लेवल्स पे है तो मुझे ऐसी ट्रेड बनानी है जिसमें वॉलेटिलिटी घटे तो प्रॉफिट आए,
तो मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टफ जा रहा है, हमें काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं वीगा का मतलब क्या होता है। वीगा भी बेसिकली काम क्या करता है तो वॉलिटिलिटी को इंडेक्स करने की चीज़ ये, बट ये हमारे स्ट्रेटजीज के अंदर होता है। वीगा बेसिकली हमारा जो ऑप्शन के हम स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, बाइंग हो, सेलिंग हो, जो मर्जी हो, उसमें ना एक जरा सा एक फोर्थ नंबर का ग्रीक्स है जो हम पढ़ते हैं, और मैंने ग्रीक्स वाले वीडियो में हमने समझाया भी है, उसको जाके डिटेल में देखोगे वहाँ भी समझ आएगा। बट मैं एक जस्ट एक पॉइंटर बता दूँ, वीगा नेगेटिव स्ट्रेटजी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमने वॉलिटिलिटी को नीचे नीचे गिराने के लिए ट्रेड बनाई है, अगर वॉलिटिलिटी गिरेगी तो मुझे उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। सिंपल भाषा में अगर हमने कोई ट्रेड ऐसी बनाई है जिसके ग्रीक्स में जाके आप देखोगे वीगा पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रेटजी तब प्रॉफिट देगी जब वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, राइट। बट अब यहाँ पे बस मैं छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है लोगों को अभी भी कहीं डाउट रह गया। देखो अब यहाँ पर ये कोविड वाला स्पाइक देखो, वॉलिटिलिटी बढ़ी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बिल्कुल 9 के लेवल के आसपास था, ये आपने ड्रॉइंग एक मिनट हटा लीजिए, हाँ तो मान लीजिए यहाँ पर 9 के आसपास का आपने देखा कि हमारा विक्स चल रहा है। अगर विक्स कम है तो ऑप्शन के प्रीमियम कम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एट द मनी खरीदोगे, उस टाइम पे निफ्टी आपने देखा, एग्जाम्पल कहीं पर भी है, ठीक है, आपने कहा यहाँ पर मेरा निफ्टी मिल रहा है और मुझे 100 रुपये का एट द मनी पे मुझे माल मिल रहा है, 100 रुपये आपने प्रीमियम पे खर्च किया एट द मनी के लिए। अब अगर कुछ भी नहीं हुआ, मैं कहता हूँ मार्केट वहीं की वहीं है, एक मिनट के लिए आप मान लो, वो तो हमें पता है कि मार्केट गिरी थी। जनरली होता क्या है, विक्स की वैल्यू बढ़ जाती है जब मार्केट गिरती है। ये जितनी बार भी अगर ये बड़ी है विक्स की वैल्यू, तो ये लोग ऐसे रिलेट करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं है बट मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि मार्केट गिरती है तो विक्स बढ़ जाता है, और मार्केट ऊपर जाती है तो विक्स गिर जाता है वहां से, ठीक है। तो अभी हमारी मार्केट लगातार ऊपर जा रही है तो विक्स नीचे गिर रहा है, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब यहां पे अगर किसी ने एट द मनी पर कोई वहां पे खरीदा, एक एट द मनी पर ऑप्शन खरीदा, उसने प्रीमियम पे किया 100 रुपया, अब अगर कुछ भी नहीं हुआ, विक्स ही बढ़ गया, तो 100 रुपए की वैल्यू ही बढ़ जाएगी क्योंकि उसका वीगा बढ़ जाएगा, वीगा बढ़ जाएगा। और ये क्या हुआ, ये हमने वो ट्रेड ली, अगर हमने नेक्स्ट बाय भी किया तो हमें वॉलेटिलिटी के बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी के बढ़ने से ही प्रॉफिट हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, मेरा 100 का प्रीमियम मैं देखूंगा, रहे तो बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां से वॉलेटिलिटी ही बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि भाई आप मुझे कहोगे कि कॉल खरीदा है, पुट खरीदा। देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी, अभी हम से बात कर रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, मैंने एक मिनट के लिए बोला कि कुछ भी नहीं हुआ, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, बट आपको पता है वॉलेटिलिटी तब बढ़ती है जब मार्केट गिरती है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एट द मनी में पुट खरीदा था, तो मेरा प्रीमियम तो बढ़ेगा ही डायरेक्शन की वजह से, प्लस मुझे फायदा हो जाएगा वॉलेटिलिटी का। पर आप एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, भाई कोई खरीदता तो कोई बेचता है, किसी ने दोनों साइड बेच दी थी, आप यहां पे समझो किसी ने दोनों साइड पे आके एक स्ट्रैंगल बना दिया, एट द मनी पे कॉल भी बेच दिया पुट भी बेच दिया, दोनों 100-100 रुपए के थे। अब उसे फायदा कब होगा, जब ये 100-100 रुपए जीरो हो जाए, बट वॉलेटिलिटी के बढ़ने से, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाएगा तो सेलर का नुकसान तो बैठे बैठे होने लग जाएगा। अब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन में तेज जा रही है तो प्रीमियम तो बढ़ ही रहे हैं, वो तो नुकसान है ही, उसके बाद तो 200 रुपए का ही हेज है। अगर आपको समझ आ रहा हूँ मेरी बात, क्या मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 100 रुपए कॉल से कमाने थे, 100 रुपए पुट से कमाने थे, सेलर कब कमाएगा जब 100 रुपए दोनों जीरो हो जाएंगे, मार्केट कहीं मूव नहीं हुई, बट मार्केट तो मूव हो गई ना, और मार्केट अगर मूव हो गई तो आप समझो वहां पर तो नुकसान हो ही रहा है, वॉलेटिलिटी के बढ़ने से भी नुकसान हो रहा है। पर इंपॉर्टेंट देखो, वहां पे 80 पे पहुंच गई, एग्जाम्पल के लिए ये वीकली हम चार्ट पे देख रहे हैं, तो उस वीक में जब 80 के आसपास पहुंच गई थी, किसी ने 70 पे 80 पे वहां पर जाके ये देखा, यार ये तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अब 2000 के प्रीमियम की हम बात कर रहे थे, और वहां पे अगर शॉर्ट मारा तो 2000 रुपए बहुत तेजी से खत्म होंगे, और वो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी, वीगा नेगेटिव ट्रेड होगी। मैं उस टाइम का लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ, उस टाइम पे जब 70-80 का विक्स चल रहा था, क्या था कि मार्केट में ना आप मंडे ट्यूसडे को ऑप्शन बेचने में आपके हाथ कांपेंगे, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ना 1500 रुपए की चीज 1800-1200 ऐसे घूम रही थी। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या सोचा, मतलब जो ऑप्शन सेलर हम थे, हम लोगों ने किया कि हम सिर्फ थर्सडे को ट्रेड करते थे, थर्सडे के दिन भी हमें 250 रुपए मिलते थे, 500-800 पॉइंट दूर, तो मतलब हमने एक वो निकाला कि यार सेफ कैसे रह सकते हैं। तो हमें ये तो था कि थर्सडे को जीरो तो होना है, आउट ऑफ द मनी चाहे वो कितनी भी विक्स हो, बट जीरो होना है, हमें 200 रुपए मिलते थे इवन 1000 पॉइंट दूर,
और ये आप जाके चेक कर सकते हो अभी बैक टेस्टिंग डेटा में कि उस टाइम पे प्रीमियम कैसे थे। स्ट्रैडल का प्रीमियम ही 2200 रुपये हुआ करता था, हजार हजार रुपये। आप इमेजिन करो अगर थर्सडे को मैंने हजार हजार का बेच दिया, मार्केट 2000 पॉइंट के मूव के अंदर क्लोज हुई, तो मेरे पास कितने पैसे आए क्रेडिट में। तो ऑप्शन सेलर को सिंपली समझ लो, हायर लेवल के विक्स पे जब उसने अगर बेचा है ना तो उसके पास प्रीमियम का एक बड़ा गुच्छा है जिसको वो कमा पाएगा, लेकिन लोअर लेवल पे उसके पास 9 से 12 के उसमें ना वही 100 रुपये है, तो उसके पास रिस्क बहुत बड़ा है, कमाने को बहुत कम है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, विक्स अभी आपको लोअर साइड पे दिख रहा है, आप कौन सा ट्रेड बनाने के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे? अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, मैं अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी भी बना रहे हो जिसमें आप डेबिट में रहते हो, तो डेबिट का मतलब क्या होता है, आप खरीद रहे हो तो आप मार्केट को प्रीमियम देते हो, तो डेबिट उसमें स्प्रेड बना सकते हो, तो आप डेबिट स्ट्रैटेजी को बनाते हो, तो वो आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी हो जाएगी? यहाँ पर आपको वॉलिटिलिटी के बढ़ने से फायदा होगा। और अगर आप बेच देते हो, यहाँ पे आप स्ट्रैडल बना देते हो, स्ट्रैंगल बना देते हो, तो आपको वॉलिटिलिटी के बढ़ने से नुकसान होने लग जाएगा। आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं किया मैंने तो, और फिर भी मुझे नुकसान हो रहा है, मार्केट तो वहीं की वहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये दोबारा से 26 पहुँच गई, 20 पहुँच गई, तो आपको नुकसान दिखेगा। और ये हम क्यों समझा रहे हैं, आप जब YouTube पे वीडियोस देखते हो ना, वहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज बहुत सारी मिलेंगी, बट कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेटजी में बिना किसी मतलब के आपको नुकसान होता है, क्योंकि आपने वॉलिटिलिटी को नहीं समझा। वॉलिटिलिटी भी एक ऐसा फैक्टर है कि वो अगर ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो आपकी स्ट्रेटजी अपने आप MTM स्विंग दिखाएगी। जैसे आप समझाना चाह रहे थे, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कैलेंडर्स बहुत यूज़ करता हूँ, और इसके बाद मैं ये जो समझा रहा हूँ ये भी इसलिए क्योंकि मैं कैलेंडर्स में बहुत यूज़ करूँगा इस चीज़ को। कैलेंडर्स में क्या होता है ना, जब हम अपने हेजेस बाई करते हैं ना, तो बाइंग का फायदा कब मिलेगा, जब वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो बायर को फायदा होगा कि प्रीमियम बढ़ रही है, बट अगर वॉलिटिलिटी बढ़ने लगी तो मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे लिए तो लॉस का ही सौदा है हमेशा। तो कैलेंडर यूज करने से वॉलिटिलिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसीलिए इसके बाद में जब वॉलिटिलिटी को जब मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप साल भर डिफरेंट विक्स पे यूज कर सकते हो। हम विक्स को डिवाइड करेंगे स्ट्रेटजी वाइज, अगर विक्स इतना चल रहा है तो आपको ये स्ट्रेटजी यूज करनी, विक्स इतना है तो ये स्ट्रेटजी, और विक्स इतना है तो ये स्ट्रेटजी। इससे क्या होगा, फॉर अ ईयरली बेसिस आप बिल्कुल सेफ हो गए हो, वॉलिटिलिटी वाइज भी, स्ट्रेटजी वाइज भी। इसलिए हम कैलेंडर्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ऐसा कैलेंडर जिसको आप साल भर यूज कर सको, जो वॉलिटिलिटी को न्यूट्रल रखता हो, मतलब विक्स कहीं भी हो विद इन दिस रेंज पूरे में आप उसको संभाल सको। अगर विक्स मिड रेंज में कहीं है या नीचे की तरफ है कहीं पे, उस टाइम पे कौन सा कैलेंडर डालना है, और हायर रेंज पे तो कौन सा कैलेंडर डालना है। ऑफकोर्स सी बात है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा 80 की, 80 को हम ना एक रेफरेंस लेके बहुत ज्यादा ना चलें, क्योंकि 80 वो ना ऐसी टाइम पे नहीं आता हर बार, एक्सेप्शनल है। जैसे देखो पिछले 10 सालों में वो एक बार आपको दिखा, नॉर्मली ऐसे स्पाइक्स आते हैं। ये आप देखोगे, ये यहाँ पे देखो लगभग 30 पहुंच गए, 30-35 ये यहाँ पे इलेक्शन हुआ, कभी कभी आप समझ लो कि कोई बहुत बड़ा वॉर हो गया कुछ, तो ऐसी चीज़ों में आपको वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। वॉलिटिलिटी को अगर मैं और समझाऊं तो ये हो जाएगा फियर वैल्यू। हम इसको एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अगर एक इन्वेस्टर होता है, फियर वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या, इन्वेस्टर कब डरता है, जब उसके इन्वेस्टिंग किए हुए पैसों की वैल्यू घटे, तो इसका मतलब मार्केट क्या हुआ होगा, गिरी हुई होगी मार्केट। उसने अगर एयरटेल रिलायंस ऐसा बाई कर रखा था और वो पीक पे 1000 रुपये ऐसा प्राइस चल रहा है, तो उस टाइम पे उसकी प्रीमियम वैल्यू ऊपर है, तो उसके पास ग्रीड है, मतलब वॉलिटिलिटी लो होगी उस टाइम पे। लेकिन अगर वॉलिटिलिटी तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उसके इन्वेस्टमेंट के जो 10 लाख रुपये हैं, अब वो धीरे धीरे 7, 6, 5 ऐसे जा रहे हैं, इसलिए उसके अंदर से फियर बढ़ता जा रहा है। तो हाई वैल्यू मतलब हाई फियर मतलब मोस्टली मार्केट गिर रही होगी, हम बिल्कुल गारंटी नहीं बोलते। आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कभी कभी ऊपर जाने नीचे जाने दोनों में वॉलिटिलिटी बढ़ती है, बट हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मोस्टली ये जो बड़े स्पाइक्स हैं वो मार्केट के गिरने से ही आए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको जस्ट अभी समझानी है कि एक तो आपने इसकी रेंज देखी कि इंडिया विक्स को आपने देखा, उसकी जो भी वैल्यू आपको पता लगा ईयरली रेंज क्या है। हम जब भी विक्स को समझते हैं तो एक हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया एक तो अब कई सारे लोग हैं जो कॉन्डोर्स यूज़ करते हैं, वो उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं कि भैया किस हिसाब से मार्केट की रेंज रह सकती है, तो वो आप विक्स के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो जस्ट अभी हम आपको बताएंगे। देखो बस एक ये आपको वॉलिटिलिटी का एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान लीजिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाता है, तो उसे कंपनी बोलती है कि हम आपको 1 साल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, आपसे 20,000 रुपये लेंगे, पर फिर वो बता देता है कि जी मैं तो स्मोक भी करता हूँ। अब कंपनी के लिए वॉलिटिलिटी बढ़ गई, क्या ये स्मोक करता है तो यार इसके तो लंग डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा है, वो एकदम से कहेंगे अब हम आपसे 25,000 लेंगे, तो वो प्रीमियम बढ़ा दिया। अब वो कहता नहीं जी तो मेरा तो एक बार तो स्टेंट भी डला हुआ है, और जैसे ही बोलेगा स्टेंट भी डला हुआ, वो कहेंगे अब तो मैं आपसे 40,000 लूंगा, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी हुई तो आपकी बीमारी पे कंपनी को ज्यादा लॉस हो जाएगा, वो रिस्क उठा रही है ना, आपका रिस्क उठा रही है। तो आप जब एक लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रीमियम दे रहे हो, तो आप ऑप्शन बायर हो गए और कंपनी ऑप्शन सेलर हो गई, और सेलर एक बार में घाटा कितना लेगा, 1 करोड़ का 10 लाख का 5 लाख का, उसके बड़े घाटे हो सकते हैं, तो वो इसलिए प्रीमियम की वैल्यू बढ़ा देता है।
करेक्ट। तो ये एक कंसेप्ट था समझाने का। अब एक बार हम रेंज पे आ जाते हैं, रेंज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब रेंज को मैं डिस्क्राइब कर दूं क्योंकि ये कैलेंडर्स में बहुत यूज होगी। कई बार लोग बोलेंगे कि रेंज के बाहर भी मार्केट गई है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ उस सिनेरियो की बात करो जो आप बहुत बार करने वाले हो। जैसे अगर हम इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद भी नॉर्मली सिर्फ लगभग कितने लगभग 8 साल हो गए, 8 सालों में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से 8 बार मतलब साल में एक बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर गई। तो मैं इसके बारे में सोचूं कि जो बाकी के सिनेरियोज थे जिसमें मतलब 95% ऑफ द टाइम मार्केट इन सिनेरियो के नीचे रही, उसके बारे में सोचूं। मैं हमेशा उसके बारे में सोचूंगा जो मुझे ज़्यादा ट्रेड करना है। तो मैं अगर देखूं तो ये जो रेंज है मैं इस रेंज के अंदर ही हूं 95% ऑफ द टाइम। तो मैं इसी पे अपना पूरा एनालिसिस बनाऊंगा, मैं उस 5% के बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि वो जो 5% है अगर मैं उसकी सोचूंगा मैं कभी प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो अब हम देखेंगे कि ऊपर की रेंज हमने ले ली 25, नीचे की रेंज ले ली 10 और बीच की रेंज ले ली 17। अब क्या होगा, हम पहला कैलेंडर जो सीखेंगे पहला कैलेंडर ये होगा 10 के एरिया में क्रिएट करेंगे उसको, उसका वीगा हम ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे। वीगा ज्यादा पॉजिटिव मतलब वो तो जब मैं ऑप्शन पे क्रिएट करूंगा ना सारा कुछ बताऊंगा। ज्यादा पॉजिटिव इसलिए क्योंकि चांसेस ऑफ गोइंग, एक बार हम ऑप्शन पे दिखा देते हैं कि वीगा ग्रीक्स कैसे दिखते हैं। ठीक है, हम यहां पे चलते हैं। देखो ये हमने स्ट्रेटजी बिल्डर में गए, आप कोई भी एक चीज लेके दिखा दो, कुछ भी ले सकते हैं। ये लो हमने नॉर्मली स्ट्रैंगल लिया, ये हमने सेल कर दिया। ग्रीक्स पे जाएंगे हम, ये देखो यहाँ पे ये वीगा है ना, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन बेच रखे हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मार्केट में वॉलिटिलिटी डाउन ही जाए, ऊपर गई तो मुझे लॉस है, सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम पे ऑफ में गए और मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वॉलिटिलिटी बढ़ा रहा हूँ, ये भी एक ऑप्शन है। तो मैंने वॉलिटिलिटी यहाँ पे बढ़ाई, ये देखो T+0 लाइन में आपको 1000 रुपये का लॉस हो चुका है। मतलब ये चीज आप टेस्ट कर सकते हो कि अगर वॉलिटिलिटी बढ़ी तो आपको लॉस हो गई होगा। अगर आप चाहे मार्केट मूव नहीं हुई, मार्केट मूव नहीं हुई, मैंने बिना मार्केट वीगा बढ़ाया है। अब मैं इसी की जगह ना आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, बाइंग कर देते हैं। हम एक चीज करते हैं कि जो पास का लेवल है ना उसको मैं इसको बाइंग कर देता हूँ, ये मैंने बाई कर दिया। अब जाके वीगा देखते हैं अपन एक बार, अभी प्लस के 32 का वीगा है। तो सिंपली आप ये समझ लो कि ये लो मैं इसको भी बाई कर दूं। इसको आपको सिर्फ ये समझना है कि बाइंग के टाइम पे अगर मैं वीगा बढ़ाता हूं तो क्या होता है। तो मैं काम करता हूं, मैं फ्रीज लिमिट ले लेता हूं वरना ये 2000 रुपये से समझ नहीं आएगा एग्जांपल। तो ये हमने किया, ये 36 लॉट और इधर भी ये 36 लॉट, ठीक है। और इसको ना 1 by 1 बिना वॉलिटिलिटी के और विद वॉलिटिलिटी क्या फर्क पड़ता है, अभी हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने ये जाके बना देना है, हाँ नहीं। अब देखो ये है नॉर्मल लेवल, अगर मैं इसमें देखूं कि मैं 1.5% मार्केट को गिरा दूं तो क्या प्रॉफिट हो रहा है, मुझे मिल रहे हैं T+0 में 1.96 लाख। ये याद रखना है, 1.96 लाख मिल रहे हैं अगर 1.5% और इसमें 85,000 रुपीस लगे हैं आपके, 85,000 लगे हैं मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो गए। और मैंने यहाँ पे वॉलिटिलिटी बढ़ाई 20%, तो यहाँ पे अपने आप लगभग 2,27 हो गए। तो यहाँ पे एक 30-40 हज़ार रुपए का एक गैप आ गया, ये गैप पॉजिटिव आया क्योंकि आप बाइंग में हो। अगर यही आप सेलिंग में होते ना तो ये गैप निगेटिव में जाता, इवन आपके साइड में मार्केट गई भी है तब भी आप लूज कर जाओगे क्योंकि वॉलिटिलिटी का इफेक्ट आ गया। और यहाँ पे 1.5% गिरने से आपका स्ट्रैंगल भी फेल हो जाता, हाँ स्ट्रैंगल तो फेल ही था, सीधा सीधा फेल ही हो गया। और यहाँ पे कैपिटल आपका 85,000 का ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, इस वजह से विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। आपको ट्रेडिंग करते टाइम ट्रेड डालते टाइम जरूर देखना है कि यार अगर 5 दिन में विक्स बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट एक कंसिडरेशन रखो अपनी। ये पता है आज हम जब ज्यादातर नए लोगों की बात करते हैं तो वो लोग ना विक्स को नहीं देखते। वो क्यों नहीं देखते यार, अभी तो मैं अभी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, बट जब आपका कैपिटल बढ़ेगा पोजिशनल ट्रेडिंग करने लग जाओगे, अगर आप स्प्रेड्स बना के ट्रेड करने लग जाओगे, आप कोई स्ट्रेटेजी यूज करोगे, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, तो आपको ध्यान ना पड़ेगा क्योंकि दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आज इंडिया में लोग पता नहीं कितना विक्स को देखते हैं, बट यूएस के अंदर लोग विक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। करेक्ट है, तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम थोड़ा सा ना कैलकुलेशन देख लेते हैं कि विक्स के हिसाब से हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक सीट है, ये सीट को हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पब्लिक इसको यूज कर सकती है। यहां पे आपको सिर्फ निफ्टी का प्राइस लिखना है इस वक्त। अब जाके हम देखते हैं निफ्टी का प्राइस कितना है इस वक्त, ये निफ्टी का प्राइस 18200 है, ये मैंने सीट में यहां फिल करना है 18200, ठीक है। इंडिया विक्स क्या चल रही है अभी वो फिल कर देनी है अपने को, इंडिया विक्स 12.30 ये मैंने यहाँ पे फिल करी 12.30 और आपको कुछ नहीं करना जस्ट एंटर। आपको एनुअल रेंज मिल गई, देखो हाई लो का क्या दिख रहा है, एनुअली हाई लो अभी 15,900 से लेके 20,500 का दिख रहा है। अगर मैं मंथली देखूं तो मंथली मुझे 18,850 से लेके 17,500 की रेंज दिख रही है। मैं वीकली रेंज देखूं तो 18,500 से लेके 17,900 के आसपास दिख रही है। इवन डेली रेंज इस वक्त है 0.64% की 18,317 से लेके 18,083 रुपीज तक,
मतलब बिल्कुल इजी आपको अगर आयन कॉन्डोर इस सब की कोई भी रेंज निकालनी है। सेम बैंक निफ्टी के लिए भी दिखा दीजिए। सेम आप बैंक निफ्टी का प्राइस डालो यहाँ पे, ये गए 43,969, 400 ही ले लो, वो मतलब 44,000 ले लो आप। हाँ सिमिलर, ये आपको यहाँ पे रेंज मिल जाएगी पूरी पूरी। बैंक निफ्टी की रेंज हमेशा बहुत थोड़ी हैवी आती है, आप इनको एनुअली ट्रेड करना बहुत टफ हो जाता है, बट कई लोग एनुअली स्ट्रेडल बेस बेस के भी पैसा कमाते हैं क्योंकि वो पूरी एक रेंज कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप डेली की रेंज देखोगे 44,300 से लेके 43,700, ये ऑलमोस्ट आपको लगभग 600 पॉइंट की रेंज है जो इस वक्त दिखा रहा है कि 500 पॉइंट मार्केट मतलब ऊपर नीचे जाके 500 पॉइंट टोटल घूम सकता है, ये यहाँ पे आपकी रेंज आ गई। आपको अगर वीकली आयरन काउंटर बनाना है तो 44,800 का कॉल भेज दो और 43,200 का पुट भेज दो, हेज बाई करो, आपका बन गया। इसका एक बार ऑप्शन पे दिखा भी देते हैं एग्जैक्टली वीकली ठीक है। तो हम ऑप्शन पे जाते हैं, ये गए वीकली पे रीसेट और हमने बनाना है आयरन कॉन्डोर। बट अभी ये जो आयरन कॉन्डोर बन रहा है ना, इसका वीक्स में आप जाके बताओगे कि ये वी का पॉजिटिव बना है, वी का नेगेटिव बना है, ये आपका होमवर्क है। 44,700 का बैंक निफ्टी में बनाना है आयरन कॉन्डोर सेलिंग में 44,700 का हमने कॉल बेचा। यहाँ पे जाके देखा लो है 43,200 के आसपास, तो 200 ले लो सेफर साइड, 200 ले लेते हैं, ये लिया 200, ये दोनों को सेल किया, इन दोनों में 500 का ऊपर ले लो, 500 पॉइंट के ऊपर नीचे ले लेते हैं, तो ये हुआ 200, तो ये 3,700। एक्सपायरी बहुत पास में तो ऐसा दिखेगा। अब आप देखो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बन गया है यहाँ पे आपको कुछ नहीं, पर ये बहुत सेफ है। आप देखोगे 72% की वो दिख रही है हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है। ये आप अगर विक्स के हिसाब से चल रहे हो और विक्स में आपने बढ़िया एक तरीके से पूरा एनालिसिस करके बनाया है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि 10 में से 7 ट्रेड आपकी अच्छी जाने वाली। और 3 ट्रेड के लिए एडजस्टमेंट क्या करनी है वो हमने पूरा सिखा रखा है। तो आप पूरे सारे वीडियो देखने के बाद आपको ये रहेगा कि आपको सब रेंज निकालना भी सिखा दिया, चार्ट एनालिसिस कैसे होना है वो भी सिखा दिया, सारे स्ट्रेटजीज भी आपको पता है, एडजस्टमेंट भी आपको पता है। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ आपको नीड है। अगर अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो एक प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन पे एंड स्क्रीन पर, वो आप प्लेलिस्ट देखिएगा सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीख। करेक्ट। अब देखो हमने विक्स खत्म कर लिया ना, विक्स इसलिए हमने यहाँ पे अभी समझाई है क्योंकि अब यहाँ से कैलेंडर से स्टार्ट होने वाले हैं और विदाउट विक्स कैलेंडर आप नहीं समझ पाओ क्योंकि कैलेंडर्स में मेन गेम ही वॉलेटिलिटी का है। हम ये देखेंगे कि लोअर वॉलेटिलिटी पे क्या कैलेंडर बनाए, उसका एडजस्टमेंट क्या है और क्यों बनाए, वो सारी चीजें भी, और हम बजट डे वगैरह ये सब भी कवर करने वाले। क्या बात। सो आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, आप उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर हमने एक एक्सेल शीट दे दी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको वो मिल जाएगी सो दैट आप खुद जाके इंडिया विक्स के हिसाब से रेंज फाइंड आउट कर पाए। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है, यहाँ पे आपको सिंपल एक एक्सेल शीट मिल गई है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इससे फायदा क्या होगा कि आप अच्छी स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। आने वाली वीडियो जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन्हें मिस नहीं करना। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जिससे जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा पाएंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।